तो कैसा, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड्स में देखा, मुझे लॉस सैंटोस से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि मैंने जिन लोगों से लोन ले रखे थे मैं उनको उनका पैसा नहीं दे पाया था। और उसके बाद मैंने काम करना शुरू कर दिया एक सुपरमार्केट में ताकि मैं इन सबका लोन दे सकूं। पर लोन बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसलिए बहुत दिन सुपरमार्केट्स में काम करने के बाद भी हम 1 करोड़ के आसपास भी नहीं पहुंच पाए। तो मुझे नहीं लगता हम सुपरमार्केट से 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, इसलिए मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तो कैसा, मुझे पता नहीं हमें यहाँ पर कितने दिन हो चुके हैं इस सुपरमार्केट में काम करते करते, और अभी हम 1 करोड़ के तो बिल्कुल भी पास नहीं पहुंचे। अभी मेरे पास टोटल $24 है और ऊपर से मैंने 2,750 का लोन भी ले रखा है। तो मुझे नहीं लगता इस सुपरमार्केट से हम 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं और वापस लॉस सैंटोस जा पाएंगे। तो मुझे ये सुपरमार्केट बंद करके कुछ और चालू करना पड़ेगा जिससे हम जल्दी से जल्दी 1 करोड़ रुपए कमा के लॉस सैंटोस वापस जा सके। इसका मतलब हम इस सुपरमार्केट को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहने वाले हैं। ये सुपरमार्केट अब हमेशा हमेशा के लिए क्लोज ही रहने वाला है। अगर कैसर 50 कमेंट आते हैं कि सुपरमार्केट क्लोज मत करो तो हम इस सुपरमार्केट को वापस ओपन करेंगे। तो अगर आप चाहते हो हम सुपरमार्केट में वापस से काम करना शुरू करें तो कमेंट कर देना। चलो इस सुपरमार्केट को हमेशा के लिए बाय बाय कहते हैं, बाय बाय सुपरमार्केट। तो कैसर हम लोग आ चुके हैं स्क्विड गेम में, सस्ता वाला स्क्विड गेम है। पर स्क्विड गेम तो स्क्विड गेम होता है। अगर हम इधर जीते तो हमारा प्राइस है 80 लाख रुपए, हमें चाहिए 1 करोड़। तो अगर मैं ये गेम 2 बार जीतता हूँ तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलने वाले। तो फटाफट से यहाँ पर करते हैं अपन रेडी, और ये सारे के सारे प्लेयर्स के बीच में ये कॉम्पिटिशन होने वाला है। अभी हम यहाँ पर स्नोबॉल उठा उठा के फेंक सकते हैं, इनको उठाते स्नोबॉल, ये ले कैच कर। अभी बस गेम स्टार्ट होने वाला है 5 सेकंड में, फिर हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इसको हमें कैसे भी करके जीतना पड़ेगा। लेट्स गो। सबसे पहला गेम आ चुका है हाइड एंड सीक का। हाइड एंड सीक तो सबको पता है, हमें छुपना है, एक हमें ढूंढेगा, बस हमें अच्छी जगह छुपना पड़ेगा। तो गाइस गेम यहां पर स्टार्ट होने वाला है 5, 4, 3, 2, 1, लेट्स गो। स्टार्ट हो गया। ये जो लाल वाला ना, इससे हमें दूर रहना है बस। तो फटाफट से भागते हैं। एक सेकंड, हमारे जस्ट नीचे दो दो लाल वाले, तो मैं यहाँ पर छुपके चुपचाप से खड़ा रहने वाला हूँ। एनीवे की मैं भागू ना, छुप क्यों गए? अबे शिनचैन मुझे बहुत ही डर लगा है, बस मुझे देखते रहना है, यहाँ से कोई लाल वाला नहीं आ जाए। आप देख सकते हो ये लाल वाले कैसे भाग रहे हैं, ये लोगों को मार सकते, तो हमें इनसे बस बचना है और कुछ भी नहीं करना। अभी मैं यहाँ पर बिल्कुल सेफ हूँ, यहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा, बस मुझे देखते रहना, अपने चारों तरफ कोई आना नहीं चाहिए। और यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़ाई चल रही है गाइस, हमें 65 सेकंड सरवाइव करना पड़ेगा। राउंड ओवर यहाँ पर हो चुका है, 10 प्लेयर यहाँ पर बचे। वैसे 60 सेकंड करना था पर यहाँ पर बहुत सारे जने मर गए। और अब ये आ चुके अपनी सेकंड लेवल पे जो कि है आईसी लैंड्स। देखते हैं हमें इस गेम में क्या करना है। सारे के सारे गेम अगर हमने जीते तो हमें 80 लाख रुपए मिलने वाले। तो गाइस इसमें हमें बिल्कुल सही पत्थर पे जाना पड़ेगा। एक पत्थर पे हम नीचे गिरेंगे और एक पत्थर बिल्कुल सही होगा जिसपे नीचे नहीं गिरने वाले। तो मैं तो नहीं जाने वाला। अबे तू जा, मेरे को धक्का क्यों दे रहा है? मुझे बचाओ। अरे इन्होंने तो मुझे धक्का देके ही नीचे गिरा दिया, ये तो चीटिंग है, मुझे धक्का देना नहीं आता था, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। हम अपने अगले गेम में जाने वाले हैं। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने अगले गेम पर, और यहाँ पर हमें कुछ टाइल्स में कुछ ना कुछ तो करना है। मुझे पता नहीं इस गेम में क्या करना है, अभी थोड़ी देर पता चलने वाला है। और गाइस मैं टीम ग्रीन में हूं, तो मुझे सारी की सारी टाइल्स को कन्वर्ट करना है ग्रीन में। अगर मैंने सारी की सारी कन्वर्ट कर दी तो हमारी ग्रीन टीम जीत जाएगी, वरना हम हार जाएंगे। तो फटाफट से सबका सब ग्रीन कर देते हैं, सारी टाइलें मैं ग्रीन कर दूंगा, एक भी टाइल नहीं छोड़ेंगे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अभी सबसे आगे हम ही चल रहे हैं, नहीं ब्लू भी हमसे हमारे थोड़ा आसपास ही चल रहे हैं। फटाफट से सारी की सारी ग्रीन करते जाते हैं, एक भी नहीं छोड़ेंगे। वैसे वो लोग सारी की सारी पीछे चेंज करते जा रहे हैं, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि सारी की सारी ग्रीन हो जाए। पिंक वाले अभी बहुत ही ज्यादा आगे चल रहे हैं, इनको हमें हराना पड़ेगा कैसे भी करके। ये लो सारी की सारी कर देंगे, देखते हैं सबसे नीचे कौन रह गया। जो सबसे नीचे रहेगा वो मर जाएगा, और मैं बच गया। सिर्फ 6 जने हम बचे हैं जो कि अगले गेम में जाने वाले हैं। तो गाइस अभी हम यहां पर आ चुके हैं अपने अगले गेम में। इस गेम में ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिरने वाले हैं, उनसे बचना है, और सिर्फ यहां पर 6 जने बचे हैं। देखते हैं इनमें से कौन जाएगा अगले गेम में और कौन मर जाएगा। यहां पर देखो, यहां पर ये बड़ा सा पत्थर गिरेगा और ये शैडो अरीना, हमें इससे बचते रहना है बस। और ये एक को बच गया, मुझे लगा वो मर जाएगा पर वो भी बच गया। और गाइस राउंड होता है खत्म, 2 जने यहां पर मर गए, सिर्फ 4 जने बचे हैं जो कि जाने वाले
अगले गेम में और जीतेंगे बहुत सारे पैसे। और यहाँ पर अगला गेम भी शुरू हो चुका है। इसमें हमें बिल्कुल सही स्टोन पर पैर रखना पड़ेगा, अगर गलत पे रखा तो हम आउट हो जाएंगे। ए अंकल तू जा, मैं नहीं जाऊंगा। तो अभी गेम यहाँ पर स्टार्ट हो गए। मारो मारो मारो, जा जा जा। और ये क्या, और ये क्या, ये तो खुद ही चला गया। और गाइस सर मैं सिर्फ अकेला बचा हूँ, क्या मुझे भी कंप्लीट करना पड़ेगा क्या? रुक जाओ, एक तो हमको पता है और ये दूसरा भी पता है, अब बस ये तीसरा हमें देखना पड़ेगा। अगर हमने ये सही चूज कर लिया तो हम जीत जाएंगे। और ये क्या, मैं जीत गया आखिर। गाइस सर एक गेम तो मैं जीत चुका हूँ और देखते हमें कितने पैसे मिलने वाले। और इसी के साथ आप देख सकते हो आ चुका हूँ मैं, वरुण द गेमर जीते हैं 40 लाख रुपए। 40 लाख तो मैंने जीत लिए, अब मुझे बस 60 लाख रुपए और चाहिए। तो गाइस आखिरकार मैंने अपने सबसे पहला गेम जीत लिया। फटाफट से रेडी करते हैं और अगले गेम का वेट करते हैं। तो गाइस अभी अपना यहाँ पर अगला गेम आ चुका है। इसमें हमें दो दो टीम मिलने वाली है और हमें सामने वाले स्नोबॉल से बचना है। तो लेट्स गो, फटाफट से शुरू करते हैं। और यहाँ पर उठाते हैं स्नोबॉल जल्दी जल्दी, ये लेते हैं, ऐसे की तैसी जल्दी जल्दी इधर उधर भागना पड़ेगा, हमें कोई स्नोबॉल मारना दे पर हमको सामने वाले को जरूर मारनी है। ये ले जल्दी जल्दी स्नोबॉल उठाएंगे और ये लो फेंको इनके ऊपर, तुम्हारी तो ये लो, बच गया बच गया बच गया, ये वापस उठाएंगे, ये ले ये ले, अरे किसी को तो पड़ जा, मारो ना उसको। और क्या ही मारा मैंने, एक को उड़ा दिया, बस दो जने और बचे उनको भी उड़ाते हैं। अरे बच गया बच गया, मारो मारो मारो, अरे मैं ही उड़ गया। तो गाइस ये वाला गेम भी हम नहीं जीत पाए, मैं खुद ही उड़ गया इसमें। तो गाइस इस बार तो ये जना जीत चुका है 60 लाख रुपीज, हम फिर से नहीं जीत पाए, हमें एक बार तो कैसे भी करके जीतना ही पड़ेगा। तो गाइस हमारा वापस से अगला गेम आ चुका है, हमें एक जना टैग करेगा और बाकी तीनों को भागना है, देखते कौन बनने वाला है। मैं ही नहीं बन जाऊं, अरे मैं ही बन गया, मुझे लकड़ी सामने वालों को देनी पड़ेगी वरना ये कभी भी फट सकती है। जल्दी जल्दी चढ़ते हैं, इसको दूं क्या, अरे इसके पास तो पहले से लकड़ी है, ये ले लकड़ी दे दी मैंने, भागो 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 भागो। तो गाइस अभी मैंने उसको लकड़ी दे दी और वो मेरे पीछे पड़ गया, मुझे जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा, भागो भागो भागो, वो मेरे पीछे पीछे आया जा रहा है, जल्दी भागो जल्दी भागो जल्दी भागो भागो भागो, मुझे वो पकड़ लेगा तो मैं वापस से हो गए, मेरे को मिल गई वापस से लकड़ी। रुक जाओ बचना पड़ेगा हमें कैसे भी करके वापस से, सिर्फ 22 सेकंड्स बचे हमें वापस से लकड़ी देनी पड़ेगी किसी को। तो कहां पे गए सारे लोग, कहां चले गए, 15 सेकंड मेरे पास बचे हैं, ये रहा, ये ले बच गया, 10 सेकंड, 9 सेकंड, 8, 7, 6, अरे रुक जा, और मैंने उसको दे दी आखिर में, भागो भागो भागो, और वो बच गया। और गाइजर सिर्फ 2 सेकंड बचे थे और मैंने उसको दे दिया, अब सिर्फ 2 जने बचे, इसका मतलब अब मैं आखिरकार जीत सकता हूँ। तो गाइजर अपना अगला गेम भी यहाँ पर आ चुका है, इसमें क्या करना है मुझे पता नहीं, स्नोबॉल्स लेके इनको मारना है, इनकी हेल्थ कम करनी है। ये ले स्नोबॉल खा, ये ले स्नोबॉल खा, ये ले स्नोबॉल खा, और ले और खा और खा, ये निकल के भाग गया यार यहाँ से, और लोग कहाँ पर है उन सबको मारेंगे, ये ले स्नोबॉल खा, फटाफट फटाफट स्नोबॉल उठाएंगे और इन लोगों के ऊपर मारेंगे ताकि इनकी हेल्थ चली जाए, और 60 सेकंड के बाद जो भी बचेगा वो होगा विनर। तो फटाफट से अपन ऊपर रहने की कोशिश करते हैं। ये ले, अरे मुझे ही पड़ गई, बहुत ही तेज पड़ी यार, थोड़ा दूर रहते हैं। और बंदे कहां पर है, रुक जाओ यहां पर भी ये लोग लड़ रहे हैं, और उसने तो उसको मार ही दिया। सिर्फ 4 जने हम बचे हैं आपस में जो लड़ाई कर रहे हैं। ये ले, अरे मुझे फिर से पड़ गई, ये ले तू खा, ये ले निकल। तो गाइस हमारी लड़ाई अभी यहाँ पे वापस चल रही है, बस एक जना बचा है और गाइस उसको मार दिया और ये गेम हो गया यहाँ पर खत्म। तो गाइस आप देख सकते हो मैं वापस से जीत चुका हूँ और मुझे मिल चुके 50 लाख डॉलर्स, 40 और 50, 90 लाख डॉलर हमारे पास हो चुके हैं। बस एक गेम और, सिर्फ एक गेम और फिर हम जीत जाएंगे 1 करोड़ रुपए और मैं वापस से लॉस सैंटोस जा पाऊंगा। तो फटाफट से चलते यहाँ पर कर देते रेडी और मुझे सिर्फ एक गेम और जीतना है, उसके बाद हम वापस से लॉस सैंटोस जा पाएंगे। तो जल्दी से गेम शुरू होने वाला है, उसके बाद हम वापस से लॉस सैंटोस जा पाएंगे। तो जल्दी से गेम शुरू होने वाला है। तो गाइस अभी हमारा यहाँ पर अगला गेम भी आ चुका है, होल्ड द हैट एज लॉन्ग एज यू कैन, मेरे पास एक हैट है जो कि मुझे अपने होल्ड करनी है और सामने वाले उसको चुराएंगे। तो फटाफट से चुराते हैं, ये दे मेरे को हैट दे, और मुझे हैट मिल गई, भागो 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 भागो, यहाँ पर एक क्राउन है ना किंग का, वो हमें चाहिए होगा। तो फटाफट से उठा लेते हैं और स्नोबॉल लेके चलेंगे ताकि यहाँ पर कोई भी हमें आ नहीं पाए हमारे पास। ये ले तेरी तो ऐसी की तैसी, ये ले स्नोबॉल का, ये तू भी स्नोबॉल का, ये स्नोबॉल का।
तो कैसे मेरा स्कोर आप देख सकते हो कितनी जल्दी जल्दी बढ़ता जा रहा है। 80 तक हमारा स्कोर पहुंच गया है। अब मुझे लगता नहीं मुझे कोई हरा पाएगा, फिर भी मैं अपने पास ही रखने वाला हूँ। 55 सेकंड अभी यहाँ पर बचे हैं, इनको फटाफट से स्नोबॉल फेंक फेंक के मारते हैं। ये ले, उसके पास हेट है, मैं फिर भी उसको मारूंगा। अरे मुझे कौन मार रहा है, तुम्हारी तो ऐसे की तैसे। ये लो, मेरी हेल्थ वेल्थ तो नहीं जा रही ना, मैं चुपचाप यहाँ पर खड़ा रहूंगा, मुझे कोई मार भी नहीं पाएगा। ये ले तू खा, ये स्नोबॉल खा। सिर्फ 39 सेकंड बचे और मेरा स्कोर हो चुका है 164, 167, 180। हमारा स्कोर तो बहुत ही ज्यादा हो चुका है, हम तो आराम से जीतने वाले हैं। और इनके ऊपर ही फटाफट से स्नोबॉल की बारिश करते रहते हैं। ये लो। तो गाइस सिर्फ 20 सेकंड और बचे, ये वाला राउंड तो हम आराम से जीत जाएंगे। बस ये वाला हमको गेम जीतना, ताकि हम 1 करोड़ रुपए कमा के वापस से लॉस सैंटोस जा सके। तो गाइस अभी तक आपने कमेंट में गुड लक नहीं लिखा तो फटाफट से लिख देना, क्योंकि आपके गुड लक से मुझे मेरे चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे जीतने के। इसको फटाफट से नीचे गिराते हैं, निकाल यहां से। और गाइस सिर्फ 2 जने बचे, बाकी सबके सब मर गए। फिर से फाइनल राउंड आ चुका है, अगर ये मैंने जीत लिया तो वापस से 40-50 लाख रुपए मिल सकते हैं। वॉच आउट फॉर फॉलिंग क्रैब्स। ओके, क्रैब्स गिरने वाले, पता नहीं क्या होने वाला है ऊपर से। कोशिश करते हैं ये वाला भी जीतने का, इसको हमें हराना है, जिसका नाम है MK9890 लगता है, इसने अपना फोन नंबर डाल रखा है। फटाफट से स्नोबॉल उठा लेते हैं। ओए ये क्या था, इसको मारो 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 मारो। ये ले। वाओ, अरे गाइसर मैं तो सीधा नीचे गिर गया और अभी हमने ये राउंड फेल कर दिया। कोई भी नहीं बचा, सबके सभी फेल हो गए, तो इसका मतलब किसी को पैसा नहीं मिलेगा, अगले गेम का वेट करना पड़ेगा। तो गाइसर हमारा आखिरी गेम आ चुका है वापस से क्रैब वाला, और गाइसर इसमें हमें खड़ा खतरनाक से क्रैब को रहना पड़ता है और हमें इसको पूरा का पूरा बीट करना ही पड़ेगा। तो फटाफट से चलते हैं, देखते हैं वो क्रैब आने वाला है। 1 2 3 आ गया, कितना बड़ा क्रैब है। फटाफट से इसके ऊपर स्नोबॉल फेंकते जाते हैं। ये ले, अरे ये क्या चला गया, बच गया। तो गाइस अभी आप देख सकते हो मैं इस क्रैब को मारे जा रहा हूँ। क्रैब के बच्चे, तू नहीं बचने वाला। ये ले स्नोबॉल का, बच गया। ओ फिर से बच गया। फटाफट से इसको बहुत सारे स्नोबॉल फेंकते हैं, इसकी आधी हेल्थ यहाँ पर जा चुकी है, बस थोड़ी सी बची है और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। और ये वापस से जंप करते हैं, फिर से मैं बच चुका हूँ यहाँ पर। वापस से स्नोबॉल उठा के इसकी पूरी की पूरी हेल्थ खत्म करते हैं। और गाइस मैं बस जीतने वाला हूँ, और ये क्या हो रहा है, पत्थरों की बारिश कहाँ से हो रही है। और गाइसर यहाँ पर तो खतरनाक पत्थरों की बारिश हो रही है, सिर्फ इसको 2 स्नोबॉल फेंकना है बाकी है, फिर ये मर जाएगा। ये ले 1, ये ले 2, और ये आखिरी स्नोबॉल, और ये मर गया। और गाइसर इसी के साथ हमने इस क्रैब को हरा दिया और ये गेम जीत लिया। और गाइसर आप देख सकते हो हम जीत चुके हैं ये गेम, हमें मिल चुके हैं $40 लाख। तो हमारा टोटल हो चुका है 80 और 50 कितना होता है, 8 9 10 11 12 13 1 करोड़ 30 लाख हमारे पास हो चुके हैं। तो हम वापस से लॉस सैंटोस जा सकते हैं, चलो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस आप सबका स्वागत है लॉस सैंटोस में। आखिरकार हम वापस से लॉस सैंटोस आ चुके हैं, इतने टाइम की मेहनत सुपरमार्केट में, और आखिर में स्क्विड गेम के गेम्स, उससे हमने सारे के सारे पैसे जमा कर लिए और एक खतरनाक सी गाड़ी भी खरीद ली है। अरे फ्रैंकलिन आओ आओ, मुझे पता था तुम मेरे पैसे जरूर दे दोगे फ्रैंकलिन। हाँ मैं आपको पैसे तो अभी ट्रांसफर करता हूँ, रुक जाओ। फटाफट से इनको इनके पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फ्रैंकलिन, मुझे पता था तुम बहुत ही अच्छा आदमी हो। अच्छा ऐसा तुमने पहले तो नहीं बोला था, पहले तो मुझे गरीब गरीब बोल के लॉस सैंटोस से बाहर फेंकवा दिया, अब मैं उसका बदला लूंगा। शिनचैन इधर आजा वरना तू भी मर जाएगा। मेरी फेंकी मुझे मत मारना। 3 2 1 क्या निकल यहाँ से। तो कहे सर इसने मुझे इतना जलील किया था, बोला था तू गरीब है, ये वो है, तेरे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, खाना नहीं है। तो हमारा बदला पूरा हो चुका है, अपने घर वर को बाद में देखेंगे, बहुत टाइम से आया नहीं ऊपर, अभी मुझे मेरा बदला पूरा करना है। जिन जिन लोगों ने बोला था कि मैं उनको पैसे नहीं दे सकता, मैं बहुत ही गरीब हूँ, उनको आज हम दिखाएंगे, उनको उनके पैसे देंगे और बदला भी पूरा करेंगे। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं उस जने के पास जो हमारी गाड़ी उठा के ले गया था, क्योंकि हमने उसके पैसे नहीं दिए थे। हाँ भाई क्या हाल है, मैं आ गया वापस से लॉस सैंटोस। अरे फ्रैंकलिन तुम वापस आ गए, तुमने जो पैसे भेजे थे वो मेरे पास आ गए। थैंक यू फ्रैंकलिन, अब तुम यहाँ से जा सकते। अरे ऐसे कैसे, जो मेरी इतनी सारी बेइज्जती करी थी सबके सामने, उसके पैसे कौन देगा। अरे फ्रैंकलिन अपने में तो चलता रहता है, चलो चलो बाद में आना।
हाँ बात तो सही है, अपने में चलता रहता है, बहुत ही अच्छी बात कर रहा है। एनीवे की भी क्या हम इसको छोड़ दोगे? हाँ शिनचैन, अपने में चलता रहता है, हमको इसको छोड़ना ही पड़ेगा। क्या आपने सोचा हम इसको छोड़ देंगे? अरे ऐसे कैसे, रुक जाओ, अभी बम की बारिश करेंगे और इसको पूरा का पूरा उड़ा देंगे। ये ले ग्रेनेड का, ये ले और ग्रेनेड, इसका पूरा का पूरा शोरूम फोड़ डालूंगा मैं। मेरी गाड़ी जब्त करके गया था ना, सब लोगों के सामने इसने बोला था कि इसकी तो पेट्रोल भराने की औकात नहीं है, ये ले पूरे के पूरे शोरूम को इसके बम्स उड़ा देंगे। तो गाइस इसी के साथ हमारा बदला पूरा हो चुका है। और भी 4-5 लोग थे पर उन्होंने ज्यादा कुछ बोला नहीं था, तो उनसे मैं बदला लेने वाला तो उनसे मैं बदला नहीं लेने वाला। सिर्फ 2 लोगों ने बहुत ही ज्यादा बोला था, इसलिए उनसे बदला हमने ले लिया। तो गाइस हम वापस से लॉस सैंटोस में आ चुके हैं। अब इतने टाइम बाद लॉस सैंटोस में आए तो क्या क्या करें फटाफट से कमेंट करके बता देना। तो गाइस आज की वीडियो से इतना ही, अगर आपको आज वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना, पता ना इसलिए वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वापस जाके जॉइन और फॉलो कर लेना। और गाइस हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।